अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब जवाद अहमद साहब मौजूद हैं। आपको पता है कि हम रेगुलर इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो मोबाइल लोन ऐप्स हैं इनके हवाले से जो पाकिस्तान में एक नया स्कैम शुरू हो चुका है और इसके ऊपर मुरवजा हमारे जो कानून साज इदारे हैं वो भी इसके ऊपर अपना लाहेमल इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज करने के लिए पॉलिटिकल एक सेटअप के अंदर इसको डिबेट करने के हवाले से हमने आज अप्रोच किया जवाद अहमद साहब को। सर, आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं मोबाइल लोन ऐप्स जो आज पाकिस्तान में चल रहे हैं? अच्छा, देखें, जो फैक्ट्स आपने मुझे बताए हैं वो तो बड़े खौफनाक हैं जी, बड़े हौलनाक फैक्ट्स हैं, क्योंकि जिन लोगों को इन्वॉल्व किया गया इसमें वो आमतौर पर या स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियाँ हैं जिनको छोटे मोटे लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत ही गरीब लोग हैं जिनको 1,000 से लेकर 10,000 रुपये या 20,000 रुपये तक का लोन चाहिए। वो हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ज़्यादातर, जो कि थोड़ा बहुत जो सफ़ेद पोश या खाते पीते लोग हैं, उनको शायद इस तरह के ऐप्स पर ज़रूरत नहीं पड़ती लोन्स लेने की। एक उनके बच्चे भी ले रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स अगर हैं तो वो ले रहे हैं, माँ बाप को नहीं बता रहे कि जी हमें कोई अशद ज़रूरत पड़ गई है किसी चीज़ की। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का, जो मुझे आपने बताया कि इन्वॉल्व है, और आप तकरीबन 80 लाख लोग बता रहे हैं, तो 20 लाख शॉर्ट ऑफ 1 करोड़ पीपल है, मतलब 10 मिलियन पीपल है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का बाइस भी है, और जो ये लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है उनके लिए ज़िंदगी में बहुत तंगी और सख्ती का बाइस है। तो मैं तो कंडेम करता हूँ इसको, बहुत मजम्मत करता हूँ उसकी भरपूर तरीके से, और जो मैं कर सकता हूँ इस वाले से मैं उसके लिए तैयार हूँ, और आपने जो काम शुरू किया है मैं इसकी भी तारीफ करता हूँ। और लोग जो आपको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे आपने बताया कि लोग रोते हैं और लोग परेशान हैं और लोग खुदकुशियाँ करने तक पर मजबूर हैं, बल्कि 3 लोग खुदकुशी कर चुके हैं जी, ऐसे उनमें से 2 स्टूडेंट्स हैं। तो लम्हा फिक्री है हमारी कौम के लिए, और स्पेशली हमारी जो हुक्मरान क्लास है, हुक्मरान तबका जो हमारा है, उनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि आप लोगों को कहाँ ले आए हैं कि लोग अब इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो 2,000-4,000 के लिए एक उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि अब उनकी प्राइवेट लाइफ जो है वो मुतासर हो रही है और उनको बदनाम किया जा रहा है। तो ये क्या महंगाई और गुरबत का आलम है कि इस मुल्क के अंदर अब सिवाए उनके के जो कि इस मुल्क को खा रहे हैं 75 साल से, और 1-2% लोग हैं, उनके अलावा सारा पाकिस्तान जो है वो परेशानी में है इस वक्त जी। बहुत शुक्रिया। तो आप इस हवाले से जो मुतासरीन हैं हमारे वो भी आपको देख रहे हैं, तो मुतासरीन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इनके हवाले से? मैं तो ये कहूँगा कि आप एक तो हिम्मत करें, आप हौसला करें, अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता भी है किसी भी हवाले से, अगर आपके फ़ोन के अंदर तस्वीरें हैं या वीडियोस हैं और वो उनको टैम्पर करते हैं या उनको वो आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए वो चल जाता है पता, जो सही वीडियोस हों, सही ऑडियोस हों, सही पिक्चर्स हों, अगर आप थोड़ा सा भी आप कोई नज़र से देखे सही है, कहते हैं ना कि थोड़ी सी इवेलुएट करने वाली जो नज़र होती है चीज़ों को, तो चल जाता है पता कि ये फेक है। तो आप कह सकते हैं कि ये सब झूठ है जो मेरे बारे में फैलाया जा रहा है, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को एतमाद में लें, उनको कहें जी अगर ऐसी चीज़ आती है तो पहले बता दें। मुझे पता है इस बात का कि फेसबुक पे इवन कई दफ़ा ये होता है कि लोग बताते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो गया था, और उसके बाद अब मैं आपसे दोबारा जो रब्ता कर रहा हूँ, इस दौरान जो कुछ भी आपके साथ किया गया है या आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस की गई है वो मेरी तरफ से नहीं की गई। तो लोग ऐसा का डिस्क्लेमर देते हैं, तो ये डिस्क्लेमर ज़रूरी है इस वक्त। अगर जो लोग भी इफेक्टेड हैं इससे, वो तमाम फैक्ट्रीज जो भी मुतासर हुए हैं इस मामले से, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, गरीब लड़के मर्द औरत भी हैं, बुज़ुर्ग भी होंगे, तो वो सारे हिम्मत करें और परेशान ना हों, क्योंकि वो कहते हैं ना झूठ जो है वो आखिरकार पकड़ा जाता है, और आप बता भी सकते हैं अपने इर्द-गिर्द लोगों को, उसके अलावा फिर कानूनी रास्ता अख्तियार किया जा सकता है, वो भी आप करें, ये लोग भी कर रहे हैं, हम भी उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। और साथ साथ ये जो मैं कह रहा हूँ फिर कि जो हमारा जो हुक्मरान तबका है
जो अशराफिया इस मुल्क के अंदर बैठी है, जिसका कोई मसला नहीं है इस मुल्क के अंदर, मसले तो 98% लोगों के हैं, तो वो भी कोई ख्याल करें, थोड़ी शर्म करें कि अब लोगों का ये हाल है कि पहले उनके पास रोटी नहीं थी, फिर कपड़ा, फिर मकान, अब गाड़ी तक नहीं ले सकते वो, लेकिन कम अज़ कम उनकी इज्जतें तो महफूज रहें। बिल्कुल, हम तो कहते हैं पूरी हर चीज़ मिले उनको इस मुल्क में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पाकिस्तान के दस्तूर में, लेकिन कम अज़ कम इज्जतें तो तार तार ना करें, सिक्योरिटी तो दें लोगों को। तो मेरा तो ये मुतालबा है हुकूमत से भी, बल्कि PTA से भी, और जितने भी अदारे इसके अंदर, जैसे साइबर क्राइम्स का अदारा है, FIA का अदारा है, ये सारे भी जो हैं ये लोगों का ख्याल करें और इस हवाले से बहुत सख्ती से निपटा जाए इनसे। जवाब साहब, आपने भी बात की, ये तो मुतासरीन के हवाले से पैगाम था, तो आप लोगों ने नाज़रीन जो मुतासरीन हैं बिल्कुल नहीं घबराना, इंशाल्लाह आपके साथ बिल्कुल आवाज़ उठ रही है, और जवाब साहब भी इसके ऊपर अपनी पार्टी के अंदर इंशाल्लाह इसके ऊपर बातचीत करके, डिबेट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाएंगे आप लोगों के, इसको हम टेकअप करेंगे इंशाल्लाह, इसको हम पॉलिटिकली टेकअप करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें देखिए मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो है ना, ममालिक के अंदर मुख्तलिफ तजर्बात किए गए हैं, जब हम देखते हैं कहीं पे सोशलिज्म ने डिलीवर किया, कहीं पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसने अपने मसाइल अलहदा खड़े किए, तो पाकिस्तान के हवाले से आप जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान का, इसको किस निगाह से देखते हैं, और इसके अंदर डिलीवरेंस की जो इस वक्त फेलियर हो चुका है, हकूक की अदायगी के हवाले से जो डिलीवर नहीं कर पा रहा हमारा पाकिस्तान का निज़ाम, तो इसकी बेहतरी के लिए आप क्या बात कर सकते हैं, या आप क्या समझते हैं, क्या तजावीज़ हैं आपके पास? नहीं जी, हमारे पास तजावीज़ तो नहीं है, हमारे पास तो हल है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी तो आइडिया से बनती है और स्ट्रेटजी पे बनती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया से बनती है। तो हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो थर्ड वर्ल्ड कैपिटलिज्म है, एक टूटा फूटा, और जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं या न्यू लिबरल इकोनॉमी भी कहते हैं, जो पाकिस्तान में चल रही है, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है इसके मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते। ये फ्री मार्केट जो है इसके अंदर जिस तरीके से लोगों को एक भंवर में डाल दिया गया है, पूरी कौम को, अब तो लोग जो हैं वो जब उनके बिजली का बिल ज़्यादा आता है, या उनको कोई पेट्रोल बहुत महंगा मिलता है, या उनके और भी जो मसाइल हैं, अच्छे स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ा सकते, इलाज तक नहीं करा पा रहे, अब तो जब लोगों को कहा जाता है जी कि हम क्या करें जी, ये तो मार्केट ऐसी है या इकोनॉमी ऐसी है, तो बड़ा अफसोस होता है। एक दफ़ा वो इमरान खान की पार्टी में एक साहब हैं वलीद इकबाल, और अलामा इकबाल के वैसे तो पोते हैं वो, लेकिन उन्होंने एक अजीब बात की एक दफ़ा बैठ के मेरे साथ, तो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी वो जवाद साहब आप बार बार कह रहे हैं कि मार्केट मार्केट, तो मार्केट तो जो होती है वो तो फ्री होती है, तो उसमें तो जो महंगाई होती है वो तो होगी। तो मैंने उनसे कहा मुझे ये बताएं, अगर मार्केट इतनी फ्री है तो फिर आप रियासत बनाते क्यों हैं? फिर रियासत बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट ही पूरी दुनिया चलाए, तो रियासत बनाई इसलिए जाती है ताकि रेगुलेट किया जाए मार्केट को, ताकि मार्केट फोर्सेस को और मॉनिटर किया जाए। बड़ी लॉजिकल बात। हाँ, तो उसके बाद वो चुप हो गए। तो ये हालात हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो पोलिटिकल एलीट है, इमरान खान खुद ये कहते थे कि जी पाकिस्तान के अंदर जो लोग खाते पीते हैं सिर्फ वो सियासत में आए। मैं हैरान होता था उनकी ये बात सुन के कि जो खाते पीते हैं सियासत में आएंगे तो वो एक आम लोगों के लिए क्यों कानून बनाएंगे और क्यों उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे? इधर तो खाते पीते लोग तो पिछले 75 साल से बैठे हुए हैं पहले ही। तो मैं इन लोगों के शऊर पे मुझे हमेशा हैरत होती है, लेकिन ये लीडरशिप का हाल है। तो मुझे लगता है कि इस मुल्क के अंदर अगर कहते हैं ना सोशलिज़म और कैपिटलिज़म की जो लड़ाई है, लेफ़्ट और राइट की भी जो लड़ाई है कैपिटलिज़म के अपने पैराडाइम के अंदर, अगर हम उस पर बात करके लोगों को मोबिलाइज करके, पोलिटिसाइज करके, लोगों को उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करके इस तरफ, नौजवानों को ख़ास तौर पे, अगर हम इस मुल्क के अंदर एक बड़ा सवाल तबकाती बुनियादों पे नहीं उठा सकते, तो इस मुल्क की सारी सियासत जो है मैं उसको नल एंड वॉइड समझता हूँ, वो बिल्कुल मेरे लिए ज़ीरो है। क्योंकि अगर आप लोगों की मईशत, जो उनकी जो ज़ाती मईशत है, जो हर घर की मईशत है, जो उसका मतलब ये है लोगों को समझाने के लिए कि जितनी आमदनी है या जितनी तनख्वाह है लोगों की, उसके अंदर क्या वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं इज़्ज़तदार तरीके से या नहीं, तो वो जो उनकी ज़ाती मईशत है वही बर्बाद हो गई है हर इंसान की। तो मईशत पे बात नहीं होगी तो किस पे होगी? डेफिनेटली बात ही मईशत पे होनी चाहिए। तो ये जो हम एक मैक्रो लेवल पे मईशत की बात करते हैं वो तो बात की बात है, हम पहले ये देखें कि इस मुल्क के अंदर सरमाया जो है वो
چند ہاتھوں میں مرکوز ہو رہا ہے, اس کا ارتکاز ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے, اور باقی غریب لوگ جو ہیں وہ مسلسل غریب ہو رہے ہیں. کیونکہ ہم غربت کو سمجھتے ہیں اس طرح بھی کہ ایک تو آپ کی بائنگ کیپیسٹی ہوتی ہے نا, اور ایک ہوتا ہے یہ کہ آپ کچھ چیزوں سے بالکل محروم اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں اور آپ صبر شکر کر جاتے ہیں. جیسے اب میں آپ کو بتاؤں کہ عام نوجوان جو لوور مڈل کلاس کا یا ورکنگ کلاس کا ہے, یا لڑکی بھی یا لڑکا بھی دونوں, ان کو بھی معلوم ہو چکا ہوا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں گھر نہیں بنا سکیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں لاہور میں 3 مرلے کا گھر جو ہے بنانے کے لیے, 3 مرلے کا بھائی عام سے علاقے میں بھی, وہ کم از کم 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. مطلب آپ پہلے زمین خریدتے ہیں, پھر آپ اس کے اوپر مکان تعمیر کرتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ 1 کروڑ روپیہ ایک عام نوجوان لڑکا لڑکی جس کی تنخواہ 35,000 سے لے کے 1,00,000 تک بھی ہو, جو لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں, اور آپ کو پتا ہے ورکنگ کلاس کے لوگ تو یہاں بھی اس حد تک بھی ہیں کہ 15,000 روپیہ کماتے ہیں. آج بھی لاہور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, اور جو لوگ پلے داری کرتے ہیں دیہاتوں میں ان کو بھی میں دکھا سکتا ہوں, جو کٹائی بیجی اور کٹائی کے وقت پہ صرف بیچارے کام کرتے ہیں, وہ سارے جو لوگ ہیں وہ سارے اس وقت مکان تو چھوڑے ہیں, وہ تو علاج نہیں کرا پا رہے اپنا. وہ لوگ گاڑی کبھی زندگی میں سوچ نہیں سکتے خریدنے کا. اب موٹر سائیکل خریدنا ان کے لیے اتنا مشکل ہے, موٹر سائیکل 2,00,000 کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو معیشت ہے جو عام لوگوں کی, وہ تباہ ہو چکی ہوئی ہے. اسی پہ سوال اٹھنا چاہیے. برابری پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم طبقاتی بنیادوں پہ ایک سوال کھڑا کریں کہ امیر اور غریب کا فرق بڑھ رہا ہے. ساری پارٹیاں امیروں کی ہیں, ساری پارٹیاں چونکہ امیروں کی ہیں تو وہ امیروں کے ہی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے آئی ہیں. برابری پارٹی وہ پارٹی ہے جو عام لوگوں کی ہے, اور ہم عام لوگوں کو ہی لیڈرشپ دیں گے, عام لوگوں کو ہی ہم نے الیکشن لڑوانا ہے, عام لوگوں کو ہی ہم منظم کریں گے. تو ہم کھڑے بھی تو عام لوگوں کے لیے ہوں گے نا. بالکل. تو اس لیے یہ ایک انقلابی پارٹی ہے, انقلابی نظریہ ہے, انقلابی خیال ہے, یہ انقلابی آئیڈیاز ہیں. اس کے اوپر لوگ آئیں اور اپنے لیے کچھ کریں اس پارٹی کے پلیٹ فارم کے اندر آ کے. بالکل صحیح جی, بہت شکریہ. تو آپ نے جسے بات کی یہ پارٹی میں لوگ آئیں, تو اگر کوئی آپ کو آتا ہے اور آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے جوائننگ کے لیے, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے, یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. دیکھیں ہمیں تو ویب سائٹ پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.barabaripartyk. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک بہت ایکٹیو ہے, میرا اپنا فیس بک بڑا ایکٹیو ہے جواد احمد آفیشیل کے نام سے. پھر میرا ٹویٹر ہے وہ تو بہت زیادہ ایکٹیو ہے, بلکہ میرے ٹویٹر پہ تو مطلب پورے پاکستان میں جو بھی وہ امپورٹنٹ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یا بڑے اپنے آپ کو کوئی جگیدہ سمیت اور مافیاز, یا ہمارے ملک کی جو کا جو حکمران طبقہ ہے, یا طاقتور لوگ جو ہیں اس ملک کے, پھر اس میں ادارے بھی آ جاتے ہیں سارے, وہ سارے اچھی طرح جانتے ہیں میرے ٹویٹر پہ. میں جو بات کرتا ہوں وہ وائرل بھی ہوتی ہے, تو میرے ٹویٹر پہ آئیں, جواد احمد ون میرا آئی ڈی ہے, تو پتہ ہی ہے لوگوں کو. لیکن اس طرح کی جگہوں پہ آ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے پارٹی کو کیسے جوائن کرنا ہے اور آپ پارٹی میں کیا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے جی, بہت شکریہ جواد صاحب آپ کا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. خدا حافظ.